ये एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर अब तक 133 जनपद पंचायतों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 101 जनपद पंचायतों में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 32 जनपद पंचायतों में ही जीत दर्ज कर पाई है। कांग्रेस की इस बड़ी जीत को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 133 जनपद पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में इस प्रचंड जीत को एक बड़ी जीत माना जा रहा है। 101 जनपद पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा है, महज 32 जनपदों में बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है। रूपेश गुप्ता वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। रूपेश जी, किस तरह से देखे 101 जनपद पंचायतों पर कांग्रेस के कब्जे को? देखिए, ग्राम पंचायत में जो जनपद है वो दूसरी सबसे बड़ी बॉडी होती है जिला पंचायत के बाद, और करीब 70% सीटों पर अगर कांग्रेस यहाँ पे जीतती है तो कांग्रेस के लिए ये कहने का मौका है कि जो काम हमने एक साल में किए हैं उस पर ये जनता की मुहर है, और कांग्रेसी खेमे में काफी खुशी है। सुबह से जब बैठक चल रही थी कांग्रेस की, उसी वक्त से लगातार जगह जगह से जानकारियां आ रही थी कि तमाम जगहों पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नियुक्त हो रहे हैं, जीत रहे चुनाव, तो उसको लेकर के खुशी का माहौल था सुबह से ही, और तमाम बैठकों में भी लोगों के मोबाइल फोन घंघना रहे थे और ये खुशखबरी उनको मिल रही थी कि कौन कहां से जीत रहा है। तो कांग्रेसी खेमे के लिए खुशी की बात है, लेकिन रूपेश जी, अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी विधानसभा चुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, फिर ये पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी कांग्रेस को जो सफलता मिलती जा रही है, मतलब एक बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कि आने वाले वक्त में अब जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस इसी तरह से अपना जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट करेगी। देखिए, फिलहाल चूंकि सत्ता जिसके पास होती है उसको लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इसका एडवांटेज मिलता है, और ये जाहिर तौर पे ये बात समझ में आ रही है प्रदेश की जनता को कि चूंकि सत्ता में कांग्रेस है, लिहाजा अगर बॉडी में कांग्रेस के लोग जीतते हैं तो हमें फायदा होगा। दूसरा, भाजपा का ये आरोप है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली को जिस तरीके से कांग्रेस ने अडॉप्ट किया इस इलेक्शन के लिए, सरकार ने जो फैसला किया था वो इसी के लिए किया था कि कांग्रेस को इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल सके, क्योंकि उसके लिए कोई निर्दलीय जीत करके आ रहा है उसको अपनी ओर साधना बड़ा आसान हो जाता है। कोरबा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जहाँ पे भाजपा के ज्यादा पार्षद थे शहर के चुनाव में, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलियों को अपने साथ साथ लिया। तो ये स्थितियां अगर डायरेक्ट इलेक्शंस होते तो ये स्थितियां नहीं होती, और जाहिर तौर पे कांग्रेस का ये अंदाजा भी रहा होगा कि सत्ता का एडवांटेज उसको मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उम्मीद थी, जिस तरीके से भाजपा ये प्रचार कर रही थी कि धान के मुद्दे पर काफी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन गड़बड़ियों के मद्देनजर कांग्रेस जो है वो अलोकप्रिय हो गई है, उन तमाम बातों को इस नतीजे में झुठला दिया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।